आज अगर आपको बेस्ट और सिनेमैटिक फार्म हाउस अगर देखना है तो मैं आपको आज एक ऐसा फार्म हाउस दिखाने वाला हूँ जो नागांव बीच से सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के वॉकेबल डिस्टेंस पर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू निश्चितम राइड। आज मैं आया हूँ सनफ्लावर विला में, जो कि अलीबाग में है और काफी बढ़िया विला है। इस विला की अगर बात करें तो ये ना, इसके रूम जो है ना वो लग्जरी रूम्स है, बट तो नॉन एसी है। आपको वो फील नहीं होगा कि यहाँ पे नॉन एसी है, यहाँ का क्लाइमेट भी उतना अच्छा रहता है। तो बेसिकली इस विला के बारे में जानकारी देता हूँ पहले मैं कि इस विला में कैसे आ सकते हैं। आपको अगर मुंबई से आना है तो अलीबाग कुछ 110 किलोमीटर है, और फिर बाय ट्रेन आपको मुंबई से आना है पनवेल, और फिर पनवेल से आपको ST मिलेगी जो कि अलीबाग आपको ड्रॉप करेगी। अलीबाग से आप कोई भी टैक्सी पकड़ के यहाँ पे आ सकते हो। ये नागांव बीच के यहाँ से कुछ 10 मिनट के वॉकेबल डिस्टेंस पे है, तो आपको यहाँ से बीच भी नज़दीक है। और बाकी बात करें यहाँ की, तो ये जो विला है इसकी जो प्राइसेस है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा वीडियो के एंड में। तो वीडियो बने रहिए और एक्सप्लोर करते हैं इस विला को। तो चलिए हम आपको पहले बताते हैं हमारा ये जो विला है, इस विला के अंदर आपको बाहर क्या क्या देखने मिलेगा। अंदर की बातें हम तो करते रहेंगे, अंदर क्या क्या है क्या नहीं है, पर मेन तो होता है गार्डन वाला सेक्शन। मतलब मेन हमारा जो विला स्टार्ट होने वाला है वो होने वाला है एंट्री से। तो इसका एंट्री हम देखेंगे कैसे है। सो यहाँ से एंट्री करने के बाद हम जाने वाले अंदर, और फिर यहाँ पे आपको ये कुछ गार्डन दिखते होंगे। मतलब इतनी अच्छी तरीके से इसको सजा के रखा है कि जो गार्डनिंग होती है वो इतनी प्रॉपर की है ना। यहाँ पे देखिए पार्किंग के लिए जगह की है, ये शेड है और शेड के ऊपर पूरा देखिए पेड़ कैसे आ गए। और फिर यहाँ पे आप अपनी बाइक कार पार्क कर सकते हो। उसके बाद हम जाएंगे अभी सीधा अंदर, और अंदर जाने के बाद है ना आपको गेट के पहले ही आपको यहाँ पे मिलेगा ये पालना झूला, जहाँ पे आप झूल सकते हो और अपने फैमिली के साथ यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। और बाद में अंदर जाने के बाद ये रहा यहाँ का एंट्रेंस, जो कि कुछ इस तरह है। आप देख सकते हो काफ़ी वाइड बना है और काफ़ी बढ़िया बना है। देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है कि कोई मूवी का सेट ही लग रहा है मुझे। अगर आपने कोई पुरानी मूवी देखी होगी तो उसमें कुछ ऐसे ही रहता है, यहाँ पे फॉर्मेट उसी फॉर्मेट में रखा है इस स्ट्रक्चर को। तो चलिए जाते भी अंदर। तो अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे हमारे ये ताऊ जी मिलेंगे जो यहाँ पे खड़े हैं, और उसके बगल में ही आपको यहाँ पे देखने मिलेगा एक बड़ा सा पालना जहाँ से हमने हमारा इंट्रो शूट किया है। और ऐसे पालना और एक है ऊपर भी है, वो भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप बैठ सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे कुछ टाइम पास कर सकते हो। सो ये रहा रूम जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे ना, मतलब ये रूम नहीं एक्चुअली, ये ना यहाँ का हॉल है, पर अगर गेस्ट आ गए, गेस्ट बढ़ गए तो यहाँ पे ना आपको भी, मतलब आप यहाँ पे रह सकते हो आपकी फैमिली के साथ। तो बेसिकली यहाँ पे ना अभी यहाँ पे 3 बेड है, पर अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये 3 बेड यहाँ से निकल भी सकते हैं। और फिर बाद में यहाँ पे ही ये पूरा एक सोफ़ा सेट है, आप देख सकते हो यहाँ पे सोफा सेट है। प्लस यहाँ से बालकनी व्यू मिलेगा आपको देखने के लिए बाहर, पूरा आपको जो ग्रीनरी है, जो प्रॉपर नेचर है उसके साथ ही आप रहोगे यहाँ पे अगर आप स्टे करोगे तो वो भी आप देख सकते हो कितनी अच्छी बाहर ग्रीनरी है। तो इस ग्रीनरी को देखते हुए यहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। इसके बाद ये सोफ़ा, जैसे मैंने आपको बोला था, एक बड़ा सोफ़ा है और एक छोटा सा एक चेयर है। और जो अगर यहाँ पे नीचे रहेंगे तो उनके लिए यहाँ पे एक डाइनिंग का भी एक ऑप्शन है, जहाँ पे आप यहाँ पे खाना खा सकते हो। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सब यहाँ पे वॉशरूम्स है लाइन से। तो देखिए वॉशरूम है, और वॉशरूम कितना बड़ा वॉशरूम है। वॉशरूम के अंदर फ़ैन भी है, फ़ैन है, यहाँ पे वॉश बेसिन है, और ये WC टॉयलेट है। तो बात करेंगे यहाँ के वॉशरूम की, तो यहाँ पे ना वॉशरूम सब बड़े बड़े वॉशरूम है आपको। और ऊपर एक रूम दिखा था, वो रूम तो यहाँ का ना बेस्ट व्यू है उस रूम का, तो वो भी आपको देखने के लिए और अच्छा लगेगा। तो ऊपर जाने के लिए आपको ना यहाँ से स्टेयर से जाना होगा, और ये देखिए वाह, अगर कोई आपके साथ आ रहे हैं बुजुर्ग तो उनके लिए कुछ अच्छा यहाँ पे रखा है चलने के लिए। तो चलिए अभी जाते हैं ऊपर। तो अभी यहाँ से ऊपर आने के बाद आपको मैं यहाँ के रूम्स दिखाऊंगा। तो बेसिकली ये यहाँ का राइट वाला एक रूम है जो कि कुछ इस तरह है, आप देख सकते हो। देखिए पूरा ये यहाँ पे 2 फैन है, प्लस इसके बाद यहाँ पे एक चेयर है, चेयर भी देखिए कुछ इस तरह है, और सोफ़ा है, और वहाँ पे वॉशरूम है। वॉशरूम सेम आपको दिखेगा जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। सो वॉशरूम के लिए यहाँ से भी एक डोर है प्लस, तो वॉशरूम के लिए वहाँ से डोर है। और यहाँ पे आने के बाद ना ये एक रूम है, मतलब ये ओपन है। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद मैं बता रहा हूँ कि ये देखिए ये भी एक प्लेस है, अगर बाहर से अगर आपने एंट्री की तो ये पूरा ये ब्लॉक आप बंद कर सकते हो, ये जो एक सेक्शन है ये पूरा बंद हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे अपने बच्चों के साथ, मतलब बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह भी है जो पूरा पैक है।
ठीक है, अभी आते हैं यहाँ के वॉशरूम में। सो ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था इसके पहले भी, वॉशरूम कितने बड़े हैं और काफ़ी बढ़िया यहाँ पे बनाया है इसको। यहाँ से एक डोर है, जैसे मैंने आपको बताया था ये डोर अंदर से लॉक है, तो ये डायरेक्ट रूम के थ्रू भी आप यहाँ पे आ सकते हो और एक बाहर से भी आ सकते हो। सो यहाँ से आने के बाद आपको एक बार बता दूँ कि एक बार ऊपर का व्यू देखिए, काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। मतलब ना ये थोड़ा सा ना अलग लग रहा है कि आप कोई एकदम विंटेज कोई घर में आए हो। सो यहाँ का बेडरूम का व्यू देखिए, ये रूम का भी व्यू देखिए, हम जाने वाले बाहर जो है कॉमन एरिया। देखिए यहाँ पे आने के बाद आपको अलग ही फील होगा कि यहाँ पे आपको एक रेस्ट रूम बोल सकते हो, यहाँ पे एक बेड है और ये एक नॉर्मल चेयर है और सामने देख सकते हो पूरा ये नज़ारा, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ की वाइब्स भी अच्छी आ रही है, वाइब्स मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि आप ना यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो और लाइन से सब पेड़ है यहाँ पे, इसी व्यू को देखते हुए आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो, तो एंजॉय कीजिए इस व्यू का। सो गाइस यहाँ से अभी व्यू का एंजॉय लेते हुए हम जाने वाले अगला एक रूम है वो दिखाने के लिए। तो यहाँ पे ना आपको मतलब ये रूम नहीं बोल सकते, ये एक ना एक कॉमन एरिया है जहाँ पे आपको ये पालना मिलेगा। यहाँ पे आप लाइक अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। उसके बाद ये चेयर है, फिर ये डाइनिंग सेक्शन है, डाइनिंग यहाँ पे आप डाइनिंग कर सकते हो। उसके बाद मेरे यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हो, ये भी पूरा एक डाइनिंग सेक्शन है और यहाँ पे एक सोफ़ा है। तो ये एक ओपन एरिया है जहाँ पे आप लाइक एंजॉय कर सकते हो, आपके फ्रेंड्स के साथ आओगे। एंजॉय नहीं कर सकते आप यहाँ पे, बहुत एंजॉय कर सकते हो। तो उसके बाद जाते आगे। सो गाइस चलिए अभी यहाँ का जो सबसे बेस्ट है, मतलब यहाँ पे अभी हमने जितने भी रूम देखे वो है अच्छे है, पर उनमें से सबसे बेस्ट कौन सा रूम है तो वो मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं उस रूम को। सो देखिए ये है वो रूम जो कि कुछ इस तरह है, आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको एक छोटा बेड मिलेगा जिस पे आप लाइक सिंगल पर्सन या फिर दो पर्सन, अगर मेरे जैसे हो पतले से पतला हूँ मैं, तो वैसे दो लोग यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे चार लोग आ सकते हैं, यहाँ पे दो लोग आ सकते हैं, यहाँ पे एक आ सकते हैं, और अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो यहाँ पे गद्दी आप डाल के आप यहाँ पे सो सकते हो। इतनी बड़ी जगह है। और ये बेड देखिए, ये बेड है ना लाइक कोई राजा महाराजा का बेड है। इसके ऊपर यहाँ पे एक लेयर है, फिर एक लेयर है, फिर उसके बाद ये गद्दी है। तो इतना इतना बढ़िया मतलब इन्होंने सेटअप किया है, ये पूरा ना कस्टम, ये पूरा मार्बल है। तो यही देखने के लिए लाइक लोग यहाँ पे आते होंगे। और यहाँ पे फ़ैन देखिए, आपको यहाँ पे तीन फ़ैन देखेंगे देखने के लिए, और लाइक हर एक सेक्शन के लिए फ़ैन है। यहाँ के लिए एक टेबल फ़ैन होता है, वो बाद में अरेंज कर देते हैं वो लोग। फिर यहाँ पे एक आपको एक अलमारी मिलेगी जिसमें आप अपने कपड़े रख सकते हो। तो ये कुछ अलमारी यहाँ पे, अलमारी में यहाँ के पिलोस और वो सब यहाँ पे। तो चलिए यहाँ का लाइक वॉशरूम देखते हैं। वॉशरूम आपको देख के थोड़ा अलग ही लगेगा, ये वॉशरूम है या क्या ये, बाप रे बाप। ये देखिए ये लाइक आप मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि आप यहाँ पे आए हो तो आपको इस प्राइस में मिलने वाला ये। और यहाँ का वॉशरूम देखिए, ये पूरा एक रूम का एक साइड है वो पूरा वॉशरूम में कन्वर्ट किया है। यहाँ पे आगे शॉवर है, शॉवर के बाद पे ये बाथटब है, बाथटब में भी आप एंजॉय कर सकते हो, फिर शॉवर ले सकते हो। और ये है टॉयलेट और ये है वॉश बेसिन जो मेरे राइट साइड में, वो भी कितना बड़ा है देखिए, ये मिरर देखिए कितना बड़ा है। सो गाइस यहाँ से बाहर आने के बाद अगर आपको लाइक नीचे जाना है तो फिर आप यहाँ से भी नीचे जा सकते हो। ये भी एक रास्ता है जो आप यहाँ से लाइक गार्डन जा सकते हो। यहाँ पे गार्डन व्यू है जहाँ पे आप थोड़ा वॉक कर सकते हो, यहाँ पे एक अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हो, और फिर यहाँ से ये रूम में जा सकते हो। अगर प्राइसिंग की बात करें तो आपको ना यहाँ के मैं कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन में नंबर आया होगा, वहाँ पे आपको ना कॉल करके पता चलेगा कि यहाँ पे क्या प्राइसिंग है। सीजनल प्राइसिंग रहती है तो मैं आपको अभी प्राइस शेयर नहीं कर सकता। तो आपको अगर आना है कॉल करके ज़रूर आना और बुकिंग कर लेना। ये वीडियो यही तक था, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।